नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, 9 दिसंबर 2017 की शिफ्ट में पटवारी परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन निम्न प्रकार से हैं तथा उनके उत्तर मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, इससे पहले भी मैं 2 वीडियो जारी कर चुका हूँ जिनमें केवल प्रश्न बताए गए थे, किंतु अब इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको उनके उत्तर भी प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो ये रहे प्रश्न तथा उनके उत्तर। जैसे कि राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह की समाधि कहाँ पर है, तो इसका उत्तर है एकता स्थल दिल्ली में। पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल के दौरान मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया था। किस मुगल काल ने के शासक ने भारत में ईसाइयों को धर्म प्रचार करने की अनुमति दी थी, उत्तर है अकबर। भारत के किस शहर में राष्ट्रीय समाधि स्थल स्थित है, इसका उत्तर दिल्ली है। दिल्ली में स्थित सफदरगंज के मकबरे का निर्माण कब हुआ था, 1754 ईस्वी। सन 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या का लिंगानुपात कितना है, 940। उदयगिरी की गुफाएँ किस राज्य में हैं, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, पंडित रविशंकर शुक्ल। भारत के परिवहन मंत्री कौन हैं, नितिन गडकरी जी। काष्ठ विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है, बेंगलुरु। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, 29 अगस्त। प्रधानमंत्री आवास योजना 2019 में कितने आवास बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया, 1 करोड़। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है, कोलकाता। अशोक चक्र में कितनी तीलियाँ होती हैं, 24। देवासुर में कौन सा समास है, तो दोस्तों देवासुर, देव और असुर द्वंद्व समास। देव ऋषि में कौन सी संधि है, देव धन आ धन ऋ, तो अर्थात गुण संधि। बद किस भाषा का शब्द है, उर्दू। 2015-16 में फसल उत्पादन क्या रहा था, 3.2 करोड़ टन। एमपी की पहली महिला आईएएस कौन सी है, निर्मला बुच। छिंदवाड़ा में कौन सी जनजाति पाई जाती है, भारिया। बेतवा नदी किस नदी में मिल जाती है, यमुना। ट्रांजिस्टर किस जनरेशन का कंप्यूटर में यूज़ किया गया, तो इसका उत्तर है सेकंड जनरेशन। हलाली परियोजना कौन सी नदी पर है, बेतवा नदी। कौन सी नदी 3 राज्यों से होकर गुजरती है, सोन नदी। इनमें से कौन सा ज़िला सबसे ज़्यादा शिक्षित है, तो दोस्तों जबलपुर। महिलाओं के क्षेत्र में भोपाल। ओवरऑल की बात की जाए तो जबलपुर पुरुषों में तथा ओवरऑल में शिक्षित है। सबसे अच्छा गेहूँ किस किस्म की होती है, सरवती। किस प्रदेश में पशु प्रणाली प्रजनन प्रणाली लागू की गई, इसका उत्तर आप देख सकते हैं नेट पर, आप हमें कमेंट के माध्यम से इसका उत्तर बता सकते हैं। दोस्तों इसका उत्तर मुझे नहीं मिला था। फसल बीमा योजना किसकी सहायता से चलाया जा रहा है, AIC। तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है, ग्वालियर। बच्चों की शिक्षा पर निम्न में से कौन सा अभियान चलाया जा रहा है, सर्व शिक्षा अभियान। भोपाल किस नदी के किनारे स्थित है, तो दोस्तों भोपाल कोलार नदी के किनारे स्थित है। चिपको आंदोलन कब हुआ, 1974। राष्ट्रीय आजीविका मिशन किस जिले से प्रारंभ किया गया। मिर्च का सबसे अधिक उत्पादन किस जिले में हुआ, औसत पर एक प्रश्न पूछा गया था। दोस्तों जिन जिनके उत्तर अभी मैंने नहीं बताए हैं उनके उत्तर मैं आपको कमेंट के माध्यम से बता दूंगा। तो दोस्तों औसत में भी एक प्रश्न पूछा गया था, अर्थात एवरेज पर एक क्वेश्चन पूछे गए थे। किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, नागालैंड और मेघालय में। किसने 1964 में माउस का आविष्कार किया, डगलस एंगेलवार्ड। किस राज्य में सबसे पहले GST लागू हुआ, असम। कंप्यूटर में F2 बटन का प्रयोग किस लिए किया जाता है, रीनेम करने के लिए, फोल्डर का नाम चेंज करने के लिए। माउस कौन सी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस। वर्तमान में कैग कौन है, तो वर्तमान में कैग, सॉरी दोस्तों यहाँ शशिकांत शर्मा ने, ऋषि कुमार जी हैं। ग्राम सभा की बैठक कौन बुलाता है, सरपंच। बालिका समृद्धि योजना कब लागू की गई। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल।
IAY किससे संबंधित है? गृह से। आइए, इंदिरा गांधी आवास योजना घर से संबंधित है। लिनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ओपन सोर्स। पादप का जाइलम का क्या कार्य होता है? जलवहन और फ्लोएम का भोजन बनाने में। मध्य प्रदेश में प्रथम नगर पालिका का गठन किस जिले में हुआ? दतिया। नीति आयोग का CEO किसे बनाया गया? अविकांत सिन्हा। पहले थे अरविंद पनगाड़िया। राष्ट्रीय खेल संस्थान की स्थापना 1963 में कहाँ की गई? पटियाला। मध्य प्रदेश में ग्राम सभा किस वर्ष प्रारंभ की गई? दोस्तों, ग्राम सभा 2001 में पारित की गई थी। नगर पालिकाओं का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। GKB राव समिति की रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? दिसंबर 1985। पंचायती स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? पटवारी। आम्रपाली प्रजाति है आम की। चंबल नदी पर किस कौन से बांध हैं? गांधी सागर। वैसे तो इस पर 3 है, गरज है ना। पंचायती राज संगठित किया जाता है ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर। पंचायतों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण है? 33%। भूदान आंदोलन के जन्मदाता आचार्य विनोबा भावे। हार्ड डिस्क की गति मापी जाती है RPM यानी रिवॉल्यूशन पर मिनट। दोस्तों, इस प्रकार से क्वेश्चन और उनके उत्तर दिए गए। दोस्तों, रस से भी 2-3 प्रश्न पूछे गए तथा छंद से भी कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अलंकार, प्रत्यय, समास अर्थात कुल मिलाकर आपको हिंदी का विशेष ध्यान देना है। MPJ की थोड़ी कठिन आ रही है तथा गणित अत्यंत सरल है। रीजनिंग बेसिक लेवल की पूछी जा रही है और सामान्य ज्ञान अपने अपने स्तर पर लोगों को मीडियम टू हार्ड लग सकता है तथा इसी प्रकार मध्य प्रदेश के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। साइंस मीडियम तो लोगों को हार्ड लगता ही है, लेकिन फिर भी आप इसको पढ़कर उसको अच्छा कर सकते हैं। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल से जुड़े रहिए।